हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीटी मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अरबी की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अरबी की सूखी सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए बताते हैं। मैंने अरबी को उबाल लिया था छील के, और इसे बीस से काट के ऐसे पीसेस कर लिए हैं अरबी के। ऐसे पीस करने से अरबी में मसाला अच्छे से लग जाता है। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। मैंने एक चम्मच तेल लिया है क्योंकि मेरी अरबी थोड़ी सी कम है। आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया तो मैं अब इसमें आधी छोटी चम्मच और ये चार से पांच लहसुन की कलियां मैंने क्रश करके रख ली हैं। तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन क्रैक हो गई तो मैंने इसमें चार से पांच लहसुन की जो कलियां नहीं थी वो डाल दी हैं। अब जब लहसुन आपका अच्छे से ब्राउन हो जाए, दो हरी मिर्च मैंने काट के रख दी थी, अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। अब मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी इसमें डाल रही हूँ। हल्दी अच्छे से हो जाए, अब मैं इसमें जो मैंने बॉईल करके अरबी रखी हुई थी, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। अच्छे से इन्हें फ्राई कर लीजिए। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च डाली थी मैंने तो इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि मसाले अच्छे से अरबी में सेट हो जाएं। अब इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, एक दो मिनट फ्राई कर लीजिए। जब तक आपकी अरबी क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आप इसको फ्राई करिए। अरबी जो ऊपर से हल्की सी ब्राउन और क्रिस्पी हो जाती तो अधिक टेस्टी लगती है खाने में। लगभग दो मिनट हो गए हैं, अरबी हमारी क्रिस्पी हो गई है और ब्राउन हो गई है। अच्छे से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अरबी की सब्जी बनके तैयार है। आप ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। थैंक यू।